नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, दिल्ली से एक बहुत ही ज़्यादा रोचक वीडियो आया है। हालांकि वह रोचक वीडियो आपको जो है गुस्से में भी डाल सकता है और आपको वह वीडियो देखने के बाद मुंह से गालियां भी निकल सकती हैं, आपका खून भी खौल सकता है। लेकिन यह वीडियो देखने के बाद पता चलेगा कि आपका रिएक्शन क्या होता है। हालांकि वीडियो की पहले तो मैं आपको कुछ सच्चाई बता देता हूँ, उसके पीछे का बैकग्राउंड बता देता हूँ, स्टोरी बता देता हूँ। हुआ ये कि पूरे देश में CAA अर्थात नागरिकता कानून के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन कुछ लोग उसके समर्थन में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा ही एक जो है CAA के समर्थन में एक कार्यक्रम दिल्ली के कनाड प्लेस में हुआ। उसी CAA नागरिकता कानून के समर्थन में जो कार्यक्रम हुआ उस पे जो है शामिल होने कुछ पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी भी आए हुए थे, और पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों ने अपनी जो है मांगें भी बताई और उन लोगों ने अपने हाल भी बताए, बातें भी की, अपना ज्ञान और अपना एक्सपीरियंस भी साझा किया। इस कार्यक्रम के बाद सभी जब अपने अपने ठिकाने जाने लगे तो एक हिंदू शरणार्थी परिवार ने उबर कैब मंगवाई, और उबर कैब को जब उन लोगों ने ऑर्डर किया अपने फ़ोन से, उबर कैब वाला आया, 202 रुपये 90 पैसा बिल बना। और जब उन लोगों ने मजनू के टीला जाने की बात कही तो उबर कैब के ड्राइवर नसीम ने मजनू का टीला में कहाँ जाना है पूछा, तो जब इन लोगों ने बताया कि हमें पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप जाना है, जैसे ही उसने पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप सुना, ड्राइवर नसीम ने बोला कि आप लोग एक मिनट के लिए गाड़ी से उतरिए, और जैसे ही वो गाड़ी से उतरे वो गाड़ी लेके 9:11 हो गया, चंपत हो गया। और अब आप खुद सुनिए कि उन पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों को कैसा लगा और उन्होंने क्या जानकारी दी। सर, मजनू टीले जा रहे थे कैंप में और उसने जवाब नहीं दिया, उसने बोले एक मिनट के लिए उधर मुसलमान था लेकर उसने हटा दिया, फिर हम उतर गए अपने हिसाब से। सर, जवाब नहीं दिया एक बार, वो गाड़ी स्टार्ट करके चला गया भाई, नसीम उसका नाम था गाड़ी वाले का। तो हमारे को कहा कि भाई नीचे उतरो एक मिनट के लिए, तो हम नीचे उतरे तो गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। तो दोस्तों, आपने सुना पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी अपनी आप बीती बता रहे थे और किस तरीके से वो ठगे गए या किस तरीके से वो बहिष्कृत किए गए, बायकॉट किए गए, यह बता रहे थे। मतलब एक जो है उबर कैब के मुस्लिम ड्राइवर नसीम ने सीधे सीधे उनका बायकॉट कर दिया, उनका बहिष्कार कर दिया सुनते ही कि वे पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी हैं और पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कैंप जा रहे हैं। यह रहा उनकी बुकिंग का स्नैपशॉट, आप देख सकते हैं यह बुकिंग का स्नैपशॉट और वीडियो तजिंदर पाल सिंह बग्गा जी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया था और जानकारी दी थी। उन्होंने उबर कैब वालों से पूछा भी, प्रश्न भी किया और एक्शन लेने के लिए अपील भी की, लेकिन उबर कैब से अब तक कुछ रिस्पॉन्स आया नहीं है। क्या उबर कैब का ये जो है काम नहीं बनता है कि वह इस ड्राइवर के खिलाफ कोई एक्शन ले, उस ड्राइवर की क्लास लगाए, उससे पूछे कि उसने जो है ग्राहकों के साथ ऐसा क्यों किया, वह क्यों उन्हें छोड़कर भागा, वह क्यों उन्हें गाड़ी से उतार के भागा, क्या एक धर्म ही यह वजह थी, क्या धर्म के आधार पर उन्हें छोड़ दिया जाएगा, उन्हें बॉयकॉट कर दिया जाएगा, उन्हें भगा दिया जाएगा। उस हिसाब से तो हिंदुस्तान की जो 80% जनता है वह हिंदू है, और वो फिर अगर ऐसा ही करने लगे, अगर वो इन्हीं के जैसे कार्य करने लगे तो क्या होगा, तो क्या होगा एक स्पेशल समाज का, एक स्पेशल कौम का, एक शांतिप्रिय कौम का। लेकिन यह कार्य कितना ज़्यादा घटिया है और कितना ज़्यादा वाहियात है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है जो आपको चेहरा दिख रहा है इन पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थियों का, जो कि अब देश के जो है ये नागरिक बनने वाले हैं और नागरिक बस बनने ही वाले हैं, तो देश के नागरिक के साथ ऐसा व्यवहार कहाँ तक सही है और कितना गलत है और कितना सही है, वह आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करते हुए जाइएगा और बेल आइकन बजाते हुए इस जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। धन्यवाद।